चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाइए और हर एक न्यूज सबसे पहले पाइए। पहली प्रतिक्रिया क्या होगी आपकी? सबसे पहले तो मैं ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयां देना चाहती हूँ। और जो पार्टी उन्होंने ज्वाइन की बीजेपी, उनके जो लीडर हैं, मेन लीडर नरेंद्र मोदी जी, वो मेरे सबसे फेवरेट प्राइम मिनिस्टर हैं। अब तक जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स हैं उन्होंने मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा उनका काम लगता है। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ दिनेश जी के। आपके दिनेश जी ने जब ज्वाइन किया काफ़ी सारे फ़ोन आए, आपके पास भी आए होंगे, तो आपके को स्टार बाकी स्टार क्या रिएक्शन था उस पर? एक्चुअली सब लोग बहुत प्राउड फील कर रहे हैं कि दिनेश जी, हम सब जानते हैं दिनेश जी बहुत ही जेन्युइन इंसान है, बहुत ही सोच विचार करके उन्होंने अपने लाइफ के सारे डिसीजन लिए हैं। जब उन्होंने सिंगिंग करियर शुरू किया तो आते ही हिट हो गए, जब उन्होंने फिल्मों का करियर शुरू किया पहली दूसरी फिल्म से हिट हो गए। तो हमको पूरी तरह से यही उम्मीद है कि यहाँ भी जाएंगे तो दिनेश जी झंडे गाड़ेंगे। और हम सब, सिर्फ हमारी इंडस्ट्री के ही नहीं, बाकी इंडस्ट्री के भी जितने लोगों का फ़ोन आया और जितने लोगों ने बात की, सब यही कामना करते हैं कि दिनेश जी बहुत अच्छा करें और देश हित में बहुत अच्छे अच्छे करें। उनका मुकाबला जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है, अभी तक कन्फर्म नहीं है, सपा के बड़े नेता से है, तो आपके नज़रिए से क्या होना है वहाँ? जी ये तो मैं नहीं जानती, बट मुझे ये चीज़ पता है कि अगर दिनेश जी को कॉन्फिडेंस है किसी चीज़ पर तो वो अच्छा ही करें। और अभी के लिए वी आर ऑल जस्ट होपिंग वेरी गुड, और हम लोग यही कामना करते हैं भगवान से कि जीवन के हर अच्छे क्षेत्र में दिनेश जी आगे बढ़ें, क्योंकि वो बहुत अच्छे इंसान हैं। तो अगर उनके साथ कुछ अच्छा होगा तो उस अच्छाई की परछाई सब पर पड़ेगी और हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री पर पड़ेगी, उनके चाहने वाले लोगों पर पड़ेगी। वो कभी भी कोई सेल्फिश डिसीजंस नहीं ले सकते, तो मैं यही चाहूँगी कि उनकी तरह अच्छे राजनीति में आए, अच्छे लोग राजनीति में रहें ताकि देश हित हो सके, जो बहुत हद तक हमारे नरेंद्र मोदी जी से हो रहा है। और मैं यही कामना करती हूँ दिनेश जी के लिए। तो चुनाव प्रचार में आपका क्या स्टेटस रहेगा, क्या स्ट्रेटेजी रहेगी? अभी तक दिनेश जी ने मुझसे इस बारे में कोई बात नहीं की है, बट मैं क्या, हमारी पूरी इंडस्ट्री एकदम डटे हैं दिनेश जी के साथ और रवि जी के साथ, मनोज जी के साथ। जब जो हम लोगों को बुलाए हम लोग हमेशा रेडी हैं हमारी इंडस्ट्री के लोगों का साथ देने के लिए, और वो लोग भी सही के साथ हैं तो हमें बहुत खुशी है। तो पवन जी, दिनेश जी, रवि जी, कोई भी कभी भी हमें बुलाए हम लोग एकदम रेडी हैं। अब सारे बड़े स्टार तो आ गए लेकिन कोई भी एक्ट्रेस बड़ी नहीं आई, तो आपका क्या कुछ योजना है राजनीति में आने की? आई थिंक अभी तो नहीं है, जितने भी हमारे बड़े एक्टर्स गए उन्होंने बहुत सालों तक काम करके एक नाम बनाया है और उसके बाद वो इस मुकाम पे पहुँचे हैं, चाहे जैसे दिनेश जी हों, रवि भैया, उसके बाद वो इस मुकाम पे पहुँचे हैं कि इतनी बड़ी पार्टी, हमारे कंट्री की लीडिंग पार्टी, उन्हें इतनी इज्जत दे के अपने पार्टी में बुला रही है, इतना मान सम्मान दे रही है, उनके पोजिशन की इतनी रिस्पेक्ट कर रही है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं पहले उतना नाम कमा लूँ और उसके बाद पॉलिटिक्स में जाऊँ, ताकि वहाँ मेरे जाने का कुछ फ़ायदा। यानी इरादा रखती हैं आप? जी क्यों नहीं, हर सच्चे देशवासी को ये इरादा रखना चाहिए, क्योंकि घर पर बैठ के चाय पीते हुए टीवी देख के ये बोलना कि अरे ठीक नहीं हो रहा है, अरे ये गलत हो रहा है, वो तो हर कोई कर सकता है। अगर आप कोई ऐसी पर्सनैलिटी है कि आपके कुछ बोलने से लोगों पे असर पड़ेगा और वो आपकी बात मानेंगे और आप सच में देश के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो आपको राजनीति में पैर रखना ही चाहिए। भारतीय राजनीति में आपकी सबसे फेवरेट, आपने मोदी जी को फेवरेट बताया, फेवरेट महिला पॉलिटिशियन कौन आपकी? जी मुझे पता नहीं क्यों उनका बिहेवियर और जिस तरह से वो अपने आप को प्रेजेंट करती हैं, वो जब भी कुछ बातें बोलती हैं इतने फैक्ट्स के साथ बोलती हैं, इतने अच्छे तरीके से बोलती हैं, और मैंने सबसे ज़्यादा उन्हीं को सुना है, स्मृति ईरानी जी को। मुझे उन वो जैसे अपने आप को प्रेजेंट करती हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि शी इज़ वेरी वेल वर्स्ड, उनको बहुत अच्छे से पता होता है उनको किस बारे में बात करनी है, क्या बात करनी है, वो बहुत अच्छे से अपने आप को कैरी करती हैं, तो मेरी फेवरेट है स्मृति ईरानी। चलिए आपको भी एडवांस बधाई और दिनेश जी को भी बधाई। थैंक यू सो मच। और मैं आप सबसे यही कहूँगी कि आपने हमेशा अपना प्यार आशीर्वाद दिनेश जी पे, मुझ पे, हमारी पूरी इंडस्ट्री पे बनाया है। इस बार किसी नए क्षेत्र में दिनेश जी आगे जा रहे हैं,
हम सब उनके साथ हैं और आपसे भी यही उम्मीद करते हैं कि आप भी उनके साथ हैं। धन्यवाद। थैंक यू।